नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज हम एक बार फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से, और दरअसल उनसे जानेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इतनी गहमा गहमी पूरी दुनिया में क्यों है। सवाल सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस का नहीं है, और शायद यही कारण है कि पूरी दुनिया की नजर इस चुनाव पे लगी हुई है, और पूरी दुनिया इस वक्त कह सकते हैं कि दो अलग अलग खांचों में बटी हुई है। एक वो खांचा है जो डोनाल्ड ट्रंप को हर हालत में चुनाव जीतते हुए देखना चाहता है और उनको अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर पसंद करता है। दूसरी तरफ कमला हैरिस के समर्थक हैं, और ये वो समर्थक हैं जो इस बात को मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना दरअसल देश और दुनिया दोनों के लिए ही ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी कमला हैरिस का विरोध करने वालों की संख्या अमेरिका के अंदर और बाहर दोनों जगह कम नहीं है, और इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तब अमेरिका के अंदर इस बात को लेकर एक बहुत जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है कि दरअसल जीत किसकी होगी। क्योंकि अगर आप अमेरिका के तमाम मीडिया आउटलेट्स को सुने, उनके एक्सपर्ट्स को सुने, उनके पंडित्स को सुने, उनके ओपिनियन पोल्स के बारे में बातचीत करें, तो सब जगह एक ही राय है, और वो राय ये है कि इट्स टू क्लोज टू कॉल, यानी फोटो फिनिश है, कहना मुश्किल है जीतेगा कौन। लेकिन इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर क्यों है, इसको जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस विशेष कार्यक्रम में। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा सर? नहीं, आपने गलत कहा। ठीक है, तो करेक्ट करिए। ये जो अमेरिका का चुनाव है, ये कमला हैरिस और के समर्थकों या उनके चाहने वालों और ट्रंप के समर्थकों के बीच नहीं है। ये ऐसा है कि ट्रंप के समर्थकों के बीच है, पर कमला हैरिस को मत कहिए आप डेमोक्रेसी के समर्थकों के बीच में है, क्योंकि कमला हैरिस रिप्रेजेंट करती हैं एक डेमोक्रेसी के प्रतीक को, क्योंकि वो बहुत नए तौर पर पहली बार वो प्रकट हुई है एक कैंडिडेट के तौर पर। इसके पहले वो थी नहीं, मैदान में नहीं थी। अगर जो बाइडन की तबीयत खराब नहीं होती तो वो तो हार भी जाते, खड़े भी हो जाते और ट्रंप जीत भी जाते। ये मामला बहुत अलग है। दूसरा ये आशुतोष जी, आप थोड़ा दिखते रहेंगे तो मेरे को बोलने में अच्छा लगेगा। दूसरा मामला ये है कि इतना ज्यादा ज्ञान अमेरिका के चुनाव को लेकर आपने, आपके सत्य हिंदी ने अपने दर्शकों को दे दिया है जी, कि रोज आप 2-3 डिबेट्स करते हैं और उसमें काफी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, तो और अखबारों में खूब छप रहा है, मतलब तो भारत के दर्शकों को भारत के बारे में उतना ज्ञान नहीं है जितना कि अमेरिका के बारे में ज्ञान हो गया है जी। तो इसलिए आप मुझसे अगर पूछेंगे कि मेरे पास कुछ नया है क्या, तो बहुत दिक्कत का काम आपने कर दिया कि मुझे अब कुछ नया बोलना पड़ेगा। मैं आपको 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ, 2-3 चीजें भारत के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूँ, मैं अमेरिका के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं बताना चाहता। हमको क्या ढूंढना है रिजल्ट्स में या अमेरिका में? क्या अमेरिका जैसा प्रजातंत्र, दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, क्या वो नफरती हिंसा के एक परमानेंट फेज में प्रवेश कर रहा है? हमारे सपनों का अमेरिका है, हमारे बच्चों के सपनों का अमेरिका है, कोई 50-60 लाख भारतीय वहां रह रहे हैं और इल्लीगल इमिग्रेंट्स तो बहुत ज्यादा हैं वहां, और कई प्रवेश करने के लिए मेक्सिको की तरफ से खड़े हुए हैं दीवार के पार। तो क्या एक परमानेंट हिंसा के माहौल में प्रवेश कर रहा है? हमारी चिंता बता रहा हूं मैं,
मैं इलेक्शन की चिंता नहीं बता रहा हूँ, रिजल्ट की। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कमला हैरिस जीते या ट्रंप जीते, ये परमानेंट बता रहा हूँ मैं, कि ये दोनों की स्थितियों के लिए बता रहा हूँ। दूसरा ये कि क्या अमेरिका जैसा देश जो दूसरे प्रजातंत्रों की पॉलिसिंग करता है डेमोक्रेसी को लेकर, डेमोक्रेसी के इंडेक्स पर वहाँ की संस्थाएं भारत को भी देखती हैं और तमाम दुनिया के मुल्कों को देखती है, वहाँ क्या फासिज्म की स्थापना हो रही है? मैं कुछ अलग मुद्दे रखना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए। तीसरा ये कि हमारे यहाँ के चुनाव से और अमेरिका के चुनाव में क्या फर्क हम देखने वाले हैं, भारत के चुनाव में या पाकिस्तान के चुनाव में या बांग्लादेश के चुनाव में, क्या सब जगह एक जैसा ही होने वाला है? क्या मतों, क्या शांतिपूर्वक हो जाएगा मतदान, जो चिंता आप भारत को लेकर करते हैं, अमेरिका को लेकर आपको पहली बार चिंता ये करना पड़ेगी या दूसरी बार 2020 के बाद? क्या मतों की गिनती वक्त पर हो जाएगी? क्या नतीजे समय पर आएंगे? आप अपने चुनाव आयोग के बारे में तो बहुत सारी बातें कहते हैं, हम कहते हैं राजीव कुमार ऐसे हैं, फलाने चंजी है, हम ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रंप अगर हार गए या हारने लगे तो क्या नतीजों का ऐलान होने देंगे या होगा? क्या अमरीकी संसद पर 6 जनवरी 2021 जैसा हमला होगा कि नहीं? फिर से इस चुनाव के राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए क्या लेसन्स हैं? बहुत बड़े लेसन्स हैं। वो लेसन्स ये हैं कि क्या राहुल गांधी ने उतनी मेहनत की चुनाव जीतने के लिए 2024 में जितनी कमला हैरिस ने की? अगर करते राहुल गांधी तो नतीजे क्या होते? और क्या राहुल गांधी का दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जाना न्यायोचित था, कि बजाय वो यात्रा में वक्त बर्बाद करने के कमला हैरिस की तरह मिशिगन और पेनिसिल्वेनिया को एक कर देते? क्या कांग्रेस पार्टी में दम है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने जितना जोर लगा के रिपब्लिकन्स को पानी पिला दिया, आप भरोसा कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी उस तरह से चुनाव कभी लड़ सकती है? इसमें नरेंद्र मोदी के लिए भी, नरेंद्र मोदी के लोगों के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी बहुत सारी लर्निंग्स हैं। मैं मीडिया के लिए लर्निंग्स की तो बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो हम बाद में करेंगे, किसी डिबेट में करेंगे। ये जो हमारे दर्शकों के लिहाज से जो मैं कुछ मुद्दे रख रहा हूं कि जैसे एक मरीज को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा जाता है, अमेरिकी चुनाव इस समय लाइफ सिक्योरिटी सपोर्ट सिस्टम पर है। हम जब बातचीत कर रहे हैं आशुतोष जी, जिस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं आप ये, उसके 5 घंटे बाद 6 घंटे बाद अमेरिका में मतदान शुरू हो जाएगा। और जब तक आप ये
रिलीज करेंगे टॉक को तब तक तो हो चुकेगा शायद, कोई 18-19 करोड़ मतदाता हैं वहाँ, उसमें से आधे मतदाता एडवांस वोटिंग कर चुके हैं, करीबन 8 करोड़ मतदाता एडवांस, जो काफी पहले खुल जाता है कई राज्यों में, तो वोटिंग हो चुकी है। ट्रंप के पहले कार्यकाल मतलब 2016 से 20 में उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन रिटायर्ड जनरल मार्क ए मिली ने वॉशिंगटन पोस्ट में कहा है, बॉब वुडवुड से कहा है कि ट्रंप पूरी तरह से फासिस्ट हैं और उनसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति अभी तक कोई अमेरिका में नहीं हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि मोदी जी की पार्टी का कोई आदमी या मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी का कोई सरकार का कोई पूर्व अधिकारी इस तरह की बात लिखे या कहे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का चेयरमैन, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है अमेरिका में। हम उसमें नहीं जा रहे हैं अभी, स्विंग स्टेट्स और बैटलफील्ड स्टेट्स और बहुत सारा आ गया है, सब कुछ आ गया। हम कुछ दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं। थाईलैंड में एक हिप्पो है, था हिप्पो एक जू में, उसका नाम है मू डेंग। उसका जो प्रेडिक्शन वायरल हो रहा है, उसके सामने दो डिशेस रखी गई सजा के अच्छी, और उसमें एक पे ट्रम्प साहब का नाम लिख दिया, दूसरे पे कमला हैरिस का। उसको तय करना था कि कौन सा डिश उसको खाना है, उससे ये तय होना है कि कौन जीत रहा है। उसके बारे में प्रसिद्ध है कि उसकी भविष्यवाणियां सही होती। उसने ट्रम्प साहब का डिश मुंह में उठाया, लिया। अब वो वायरल हो रहा है। अमेरिका में जो संघर्ष है वो पॉपुलर वोट्स का नहीं है। पॉपुलर वोट्स तो हिलेरी क्लिंटन को ज्यादा मिले थे ट्रंप के मुकाबले 2016 में। अब मैं अगर समझाना चाहूं कि पॉपुलर वोट्स का फर्क क्या है, तो जॉइंट कंबाइंड अपोजिशन को भारत में 60% के करीब वोट मिलते हैं, पर मोदी जी की सरकार 38% 40% पे बन जाती है। उसका बेसिक रीजन ये है कि सीटें उनको ज्यादा मिल गई। अमरीकी चुनाव को समझने का एक दूसरा मैं तरीका बता रहा हूं कि मोदी जी की सरकार बनवाने में जो हमारी बैटलफील्ड स्टेट्स हैं भारत की, वो हैं यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार। इसकी 210 सीट हैं, आप कल्पना कीजिए, 543 में से 210 सीट है। मोदी जी की सरकार क्यों नहीं बन पाई बताइए? महाराष्ट्र में और यूपी ने उनको धोखा दे दिया। अमेरिका के चुनाव को समझने के लिए ये जरूरी है कि आज के दिन, जो आखिरी दिन, ट्रंप ने और कमला हैरिस ने सबसे ज्यादा जोर वहां का जो एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया उसमें लगाया, क्योंकि इलेक्टोरल वोट्स जो हैं मतलब 270 सीटें चाहिए, 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए, और आज की तारीख में हैरिस को 226 वोट मिल रहे हैं, कमिटेड हैं, जो कमिटेड उनके इलेक्टोरल वोट्स हैं, और 219 ट्रंप को मिल रहे हैं। हैरिस को जीतने के लिए सिर्फ 44 चाहिए जबकि ट्रंप को 51 चाहिए। ये जो स्टेट्स हैं,
जो मैंने बताया पेनसिल्वेनिया जॉर्जिया नॉर्थ कैरोलिना मिशिगन एरिजोना नेवाडा विस्कॉन्सिन इन राज्यों के 93 सीट्स हैं 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं जी। अब मैंने आपको भारत का कहा 210 सीटें जो हार जीत का फैसला करते हैं और उसमें भी यूपी और महाराष्ट्र की 128 सीटें हैं जी जिन्होंने मोदी जी को धोखा दिया। पिछली बार ये जो स्विंग स्टेट्स जिनको कहते हैं उसमें से एक को छोड़कर बाकी सब ने बाइडेन का साथ दिया था। अमेरिकी चुनाव के जो प्राण हैं वो इन 7 स्टेट्स में या 93 इलेक्टोरल वोट्स में अटके हुए हैं और इनमें बहुत दिक्कत कांटे की टक्कर है। एक जो पहला नतीजा एक आया है एक ऐसा हेलमेट है जिसमें हेमलेट है जिसमें मिडनाइट के बाद वोटिंग शुरू हो जाती है और नतीजे आ जाते हैं। वहाँ दोनों को 3-3 वोट मिले हैं न्यू हैम्पशायर में। इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेटर है कि जबरदस्त कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर का मतलब ये है कि ट्रंप साहब कमला हैरिस जीत जाए तो भी जीतने नहीं देंगे क्योंकि आप कहेंगे कि आपका जो इलेक्शन है वो चुरा लिया गया जैसा कि वो कह रहे हैं। अब जो मुद्दा है वो ये है कि हो क्या रहा है अमेरिका में इस समय। अमेरिका में ये हो रहा है कि भय का वातावरण व्याप्त है, भय का माहौल है। अगर आपको ध्यान हो 6 जनवरी 2021 को क्या हुआ था वॉशिंगटन डीसी में, तो वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल को एक किले के तौर पर सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया गया है इस भय से कि ट्रंप के समर्थक क्या करने वाले। जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं वहां स्नाइपर्स नियुक्त कर दिए गए हैं। जो वोटिंग के जो अमला है पूरे एम्प्लॉयज हैं या पूरे जो चीज हैं उनको बुलेट प्रूफ सुरक्षा कवच प्रदान किए गए। मैं क्यों कह रहा हूं एक डेमोक्रेसी में इन चीजों की क्या जरूरत है, मैं इसलिए कह रहा हूं अगर आप एक ओपन डेमोक्रेसी हैं तो आप हिंसा के जरिए चुनाव के नतीजे कैसे घोषित करना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं और इसके दुनिया के लिए क्या लेसन हो सकते हैं। तो अमरीकियों को आश्वस्त किया जा रहा है कि आपके मतदान को या आपके बैलेट को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, इतना डर है। और खासकर नेवाडा और वॉशिंगटन में तो वॉशिंगटन डीसी में तो बहुत ज्यादा इंतजाम किए गए, लोग डरे हुए हैं। 6 जनवरी 2021 का जो भय है वो लोगों पर, और ट्रंप ने घोषणा नहीं की है अभी तक कि वो नतीजों को स्वीकार कर लेंगे। वो अभी से आरोप लगा रहे हैं अपने उनके समर्थकों को कह रखा है कि अगर ये डेमोक्रेट्स जीतते हैं तो आप चीटिंग का आरोप लगाइए। अब मैं आखिरी बात जो है 2 मिनट में कहना चाहता हूं कि कोई भी जीते अमेरिका में, ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते, मैं चाहता नहीं कि ये कहना चाहिए या ऐसा होगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना भी नहीं करता हूं,
मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था आज, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है पेंसिल्वेनिया की, जहाँ रिपोर्टर गई थी और उन्होंने बात की। उसमें पेंसिल्वेनिया के एक इलाके से जब वो रिपोर्टर ने बात की एक से, तो उसका कोट है मेरे पास, देयर कुड बी ए सिविल वॉर। यस यस तो कमला हैरिस जीत जाए तो भी एक हिंसा की लहर, वो चाहे कितनी लंबी है छोटी है, आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट थिंग। और अगर ट्रंप जीत जाए तो वो तो खुलेआम घोषणा कर चुके हैं कि वो अपने सारे विरोधियों को, वो तो ये भी कह चुके हैं ना कि अगर किसी रैली में कुछ पत्रकारों पर गोलियां चला दी जाए तो भी उनको कोई आपत्ति नहीं है। और कह चुके हैं कि वो अपने विरोधियों के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है, अगर एक वायलेंस होता है, एक ऐसा आदमी जो दो बार जिस पर इम्पीचमेंट हो चुका है, कई आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं जिसमें 6 जनवरी 2021 का भी मामला शामिल है, उसके जीतने की अगर संभावनाएं इस तरह से है कि इलेक्शन टाइट है और नेक एंड नेक है, इसका ये मतलब है कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन फासिज्म के साथ है या चाहती है डिक्टेटरशिप हो। ये जो है दुनिया की डेमोक्रेसीज के लिए एक खतरनाक संकेत है, और ये संकेत भारत के लिए भी है कि अमेरिका के जो चुनाव हैं, हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, चाहे ऐसी है, चाहे मुखौटा है डेमोक्रेसी का, उसको किस तरह से प्रभावित करेगी। और हमारे यहाँ के जो विपक्ष के लोग हैं, उनको क्या चैलेंजेस हैं अगर वो कमला हैरिस की चुनौती से भी नहीं सीख पाते हैं कि फासिज्म का विरोध करने के लिए कितनी ताकत लगती है, कितने रिसोर्सेस लगते हैं, कितना समर्थन लगता है, और उसके बावजूद आपकी हार हो सकती है और इलेक्शन नेक एंड नेक हो सकता है, तो आप भारत में मोदी जी को किस दम पर हराना चाहते हैं? आपके पास क्या है क्या हराने के लिए? आप भारत जोड़ो यात्रा से नहीं हरा सकते। तो एक जो रिपोर्टर को एक इसे भी कहा, एक मतदाता ने वहां उसका नाम लिखा है बाकायदा, ऐसा नहीं है कि उनने कहा कि मेरा नाम मत दीजिए ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, ऐसा नहीं कहा है। जी उनने कहा कि कमला हैरिस अगर फ्रॉड नहीं करेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, शी कैन नॉट विन विदाउट कमिटिंग ए फ्रॉड। मतलब अगर ट्रंप फ्रॉड के जरिए जीतना चाहते हैं तो आपको जीतने के लिए फ्रॉड करना, मतलब जो जिस लेवल पर अमेरिका का नागरिक सोच रहा है इलेक्शन को लेकर, वहां की वहां जो व्यवस्था इस समय है व्याप्त है, जो भय व्याप्त है, क्या दाव पर है दुनिया के लिए, क्या दाव पर। तो ऐसी हालत में अगर कमला हैरिस जीत जाए तो आप उसको दुनिया भर के प्रजातांत्रिक मुल्कों की जीत के रूप में आप उसका जश्न मना सकते हैं, और अगर आप कमला हैरिस हार जाती है तो उसको आप दुनिया भर के प्रजातंत्रों पर फासीवाद की जीत के रूप में भी चाहें तो सेलिब्रेट भी कर सकते हैं या मातम भी मना सकते हैं। तो अमरीकी चुनाव को हम एक भारतीय नजरिए से कैसे देखें? मैं वहां की टेक्निकलिटीज में नहीं गया, मैं मतलब क्योंकि सब लोगों को बहुत बहुत सारा ज्ञान मिला हुआ है। मैं मुकेश कुमार की चर्चा भी सुन रहा था यशवंत के साथ, तो उन्होंने काफी बारीकी से चीजों को बताया, आपके डिबेट्स भी सुनी। मैं उन चीजों में नहीं जा रहा हूँ, रिपीटेशन में। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें
हमारे विपक्ष के लिए, हमारी जनता के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए, तमाम विश्व के लिए क्या संकेत हैं और हमको अमेरिकी चुनाव में रुचि क्यों लेना चाहिए? इसलिए नहीं कि दुनिया में 2024 में 62 या 72 देशों में चुनाव हुए, बड़े बड़े मुल्कों में, तो उसमें एक अमेरिका भी है। नहीं, अमेरिका इज एन एक्सेप्शन, और इसमें हार जीत का फैसला दुनिया भर के प्रजातंत्रों को के लिए एक मॉरल या तो नैतिक रूप से मजबूत करेगा या पूरी तरह से परास्त कर देगा। तो इसलिए, और वो तमाम लोग जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डिक्टेटरशिप का विरोध करते हैं, फासिज्म के खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों को देखना चाहिए कि ये क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है। और अगर अमेरिका में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है? तो इसी नोट पर जी आज की चर्चा खत्म करते हैं। आपने तो आज डराई दिया हमारे तमाम दर्शकों को। बट हाँ, ये जो तस्वीर श्रवण जी ने खींची है और जो आशंका व्यक्त की है, यही वजह है कि अमेरिका के चुनाव को लेकर इस बार सबकी दुनिया की नजर लगी हुई है। क्या होगा? क्या वाकई में अमेरिका के अंदर जो इतनी लंबी ट्रेडिशन है, लेगेसी है लोकतंत्र की, अगर वहां फासीवाद आ सकता है और फासीवाद का खतरा मंडरा सकता है, तो फिर भारत क्या, दुनिया के तमाम देशों पर भी ये काबिज हो सकता है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद द्वितीय विश्व युद्ध के से कुछ सीखा नहीं है, और या वो दुनिया को फिर एक बार उसी युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारगर्भित तरीके से आपने चीज़ों को लोगों के सामने रखा। उम्मीद है लोगों की नज़र थोड़ी स्पष्ट होगी कि हम क्यों अमेरिका के चुनाव पर इतनी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू सर।